किरण जैसे और भी खिलाड़ियों से खेलना लेके और काम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत से खिलाड़ी पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। वो हरियाणा में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, साई सेंटर में जा रहे हैं, दिल्ली तक जा रहे हैं, और ये संभव नहीं, हर घर के लिए संभव नहीं है। हर घर के लिए संभव नहीं है कि अपने घर के बच्चों को 20 किलोमीटर दूर भी भेजें ट्रेनिंग के लिए। तो वहीं सुविधा अगर बन जाए गाँव में जहाँ तक संभव हो, तो अगर जहाँ जगह मिलेगी तो देखिए, मेरी तो छोटी सी निधि है लेकिन उसे लगाकर कम से कम और जनप्रतिनिधियों पर एक दबाव बन रहा है। मैं वो स्थिति देखना चाहता हूँ कि जितने सांसद हैं, जितने सरकारी लोग हैं, जब गाँव में आते हैं उन पर भी दबाव बने और उन वे भी जो है काम कराएं गाँव में। तो कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति की जा रही है, गेम्स में भी, स्पोर्ट्स में नहीं, कभी भी प्राथमिकता रही नहीं। कभी देश के लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हम ओलंपिक्स में और उस स्तर पे भी हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये आप इंटरनेशनली देखेंगे, जो गरीब देश हैं उनके बहुत कम खिलाड़ी खेल पाते हैं उस स्तर पे। जितने टॉप 10 कंट्री हैं वो सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। आप टोक्यो ओलंपिक्स में देखेंगे टॉप 3 पोजीशन कौन था, चाइना, जापान, USA, तीनों विकसित देश हैं। तो भारत जैसे एक विकासशील देश में जहाँ तरक्की हो रही है, आर्थिक स्तर पर भी हम एक अपने आप को वर्ल्ड में बड़ी इकोनॉमी के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन खेल के जगत में हम वो उपलब्धियां नहीं हासिल कर पा रहे। समय लगेगा। किरण बालियान जैसे छोटे से गांव से बेटी गई है। नहीं, छोटा गांव नहीं, पूर्व बालियान बड़ा गांव है, अपने आप में ये कस्बा ही मानो इसको, गांव है कहने को, वैसे अपने आप में बहुत प्रभावशाली गांव है। और हम चाहते हैं कि एक प्रगति का एक प्रतीक यहाँ स्थापित हो, यहाँ स्टेडियम बनेगा तो आसपास के गांव के लोग भी आएंगे। 2024 में जैसे लोकसभा का चुनाव है तो उसमें किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोग? क्या चुनाव तो लड़ा जाएगा हिम्मत के साथ, जैसे खिलाड़ी लड़ रहे हैं वैसे हम लड़ेंगे। आपके लोकदल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों पर? जी सारी बात अभी तय नहीं हुई। और मुजफ्फरनगर में कोई कुछ भी दावा कर रहा हो, अभी मुजफ्फरनगर में कोई चयन हमारी तरफ से नहीं हुआ। आप इसकी कैश उनके प्रधान को किराया करवा दो, विधायक की बात करेंगे इसराइल और इसराइल? नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमारे विदेश मंत्रालय के विधिवत जो बयान है उनको पढ़िएगा। टू नेशन थ्योरी के पक्ष में भारत हमेशा रहा, हमने बचपन में देखा, पैलेस्टीन के पक्ष में भी हमने देखा कि यासर अरफात भारत भी आए, तो एक लगाव एक पुराना हमारा रहा है। लेकिन हम किसी भी एक पक्ष को हम आगे नहीं रख सकते। हम ये चाहते हैं कि विश्व में शांति बने। जो UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस का एक बयान आया है, मैं उसके पक्ष में हूँ, मैं उसका समर्थन करता हूं। उनका कहना यह है कि किसी भी युद्ध के स्तर पे भी जो मानवीय मूल्य हैं उनको नहीं बुलाया जा सकता। इसराइल के समर्थन में एमर के छात्रों ने रैली निकाली, नारेबाजी की, उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। नहीं, इतने अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। जो एक दायरे में अगर कोई अपनी बात कह रहा है तो कम से कम उनको बात कहने का मौका मिलना चाहिए। चौहान साहब, मुझे मुजफ्फरनगर के जो सपा के जिला अध्यक्ष है उनका कहना यह है कि रालोद के विधायक सपा कार्यकर्ताओं के चंदे पर बने हैं, उनका फोन नहीं उठाते। ये तो हमारे लोकदल के विधायक बताएंगे। थैंक यू। चलिए जी।